नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूएशन में देखेंगे हमारे मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर यूपीपीएससी मेंस 2018। वी आर डिस्कसिंग जनरल स्टडीज 2 के क्वेश्चंस, ठीक है, 200 वर्ड्स के क्वेश्चंस। नाउ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके मेंस के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। दीज आर द कोर्स डिटेल्स। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ YouTube पे जुड़े हुए हैं तो कंपलसरली आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी नोटिफिकेशंस। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है पेड कोर्सेज फॉर ऑल योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी इंक्वायरी। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूएशन में देखेंगे छठा सवाल। ये तीसरा सेट है आपका, व्हाट इज लैटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, लैटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इसका इफेक्ट, लैटरल एंट्री कराने का इफेक्ट क्या होगा ब्यूरोक्रेसी के फंक्शनिंग पे एंड ओवरऑल गवर्नेंस पे। समझ में आया चीज क्वेश्चन, ठीक है। तो लैटरल एंट्री अभी न्यूज में काफी रहा है बिकॉज गवर्नमेंट इज इवॉल्विंग इट एज अ पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट टू ब्यूरोक्रेसी। द गवर्नमेंट जो है इट हैज ओपन्ड हाईएस्ट एक्लियॉन्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। हाईएस्ट एक्लियॉन्स मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट हैं of the bureaucracy to skilled individuals from private sector and academia, inviting applications from 10 candidates at the level of joint secretary. Seedha joint secretary ke level pe inhone, government ne applications invite kiye hain, theek hai, from whom? From private sector and academia across various departments. Joint secretary a crucial role play karte hain in formulating and implementing policy. In fact, jo pehla administrative commission hai, ये कब सेटअप था, 1965 में जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन बैठा था, इसने भी एडवोकेट किया था द नीड फॉर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे जो आपकी आईएएस आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या फिर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ये जनरली क्या होते हैं, दीज आर जनरलिस्ट्स, ठीक है, स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। तो स्पेशलिस्ट जो हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेसी में लैकिंग है, इसलिए आपके लैटरल एंट्री को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है और एआरसी ने भी रिकमेंड किया था। अब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लैटरल एंट्री, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं पॉलिसी मेकिंग में। व्हाई? इट इज़ असेंशियल टू हैव पीपल जिनके पास स्पेशलाइज स्किल है एंड डोमेन एक्सपर्टीज इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं दीज सी द गवर्नमेंट ओनली फ्रॉम विद इन। लैटरल एंट्री से क्या होगा, गवर्नमेंट जो है इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इट्स पॉलिसीज ऑन स्टेक होल्डर्स, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है या लार्जर पब्लिक। सबसे पहला जो एआरसी था इसे पॉइंट आउट किया था नीड फॉर स्पेशलाइजेशन एज फार बैक एज 1965। सुरेंद्र नाथ कमेटी एंड होट्टा कमेटी इन्होंने भी यही चीज़ रेकमेंड किया और साथ ही में सेकंड एआरसी ने भी रेकमेंड किया था आपका लैटरल एंट्री। तो लैटरल एंट्री क्या है, ये आउटसाइड परस्पेक्टिव। तो पहला क्या, हेल्पफुल इन पॉलिसी मेकिंग, कैसे आउटसाइड परस्पेक्टिव देगा। जो आईएएस अफसर है ये तो सिस्टम के अंदर है, तो ये अंदर से ही देख पाते हैं आपकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे हो रही है, लेकिन जो आपके जो लैटरल एंट्री से बाहर से आएंगे वहाँ से एक आउटसाइड बाहर का पर्सपेक्टिव मिलेगा। समझ में आया? तो जैसे आप समझ सकते हैं, अगर बेसिक हमारे लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें तो जैसे आदमी खुद की खामी नहीं देख सकता है ना, लेकिन अगर बाहर वाला जो है वो आपकी खामियाँ बता सकता है आपको ज़्यादा बेहतर अपने आप से, आपके खुद से आप अपनी खामियाँ नहीं पहचान पाएंगे। दूसरा देखते हैं, इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी लिमिटेड है, इसने 2012 की रिपोर्ट में इंडियन ब्यूरोक्रेसी को सबसे खराब रेट किया था पूरे एशिया में। क्यों? बिकॉज ऑफ करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। करियर प्रोग्रेशन आईएएस में ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है, जिसके वजह से दूसरे ऑफिसर्स जो हैं कंफर्ट जोन में आते हैं। समझ में आए चीज़? तो ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर, देखिए एक कंसल्टेंसी है ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क, इसने 2012 की अपनी रिपोर्ट निकाली थी जिसमें इंडिया की जो आईएएस ऑफिसर्स हैं इनको सबसे खराब बताया था पूरे एशिया में, ठीक है। और इनका करियर प्रोग्रेशन ऑटोमेटिक यानी कि टाइम स्केल बेसिस पे होता है, जिसके वजह से आईएएस ऑफिसर्स एक कंफर्ट जोन में आता है, मतलब ये काम करें ना करें इनका प्रमोशन होना ही होना है। लैटरल एंट्री से क्या होता है, इसके वजह से एक कॉम्पिटिशन आएगा सिस्टम के अंदर। यूपीएससी कमीशन रिपोर्ट थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी, जिसको वाई के अलग हेड कर रहे थे, अलग कमेटी आपने सुना होगा यूपीएससी के लिए बिठाई गई थी, ठीक है। इसने रिकमेंड किया था लैटरल एंट्री मिडिल और सीनियर लेवल दोनों में होना चाहिए। नीति आयोग ने अपने 3 साल के एजेंडा, जो 3 ईयर एजेंडा निकाला है 2017 से 2020 के लिए, इसने भी कहा है कि सेक्टर स्पेशलिस्ट को सिस्टम में लेने की जरूरत है लैटरल एंट्री के थ्रू, जिसके वजह से कंपटीशन आएगा जो आपकी एस्टैब्लिश्ड करियर ब्यूरोक्रेसी है। एस्टैब्लिश्ड मतलब जो आपके सब सेट बन के बैठे हुए हैं, जो आईएएस अफसर वगैरह हैं, इनमें जो है कॉम्पिटिशन लाने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये लोग एक बार एग्जाम निकाल के, जो इनका तुक्के से निकल जाता है वो निकाल के फिर आराम से ये लोग बैठते हैं, ठीक है ना। फिर एंट्री एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट इन गवर्नमेंट। दूसरी बात, जो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा हेडेड
जो आपकी सिक्स्थ सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट है, और इन्होंने कहा है कि लैटरल एंट्री जो है इट कुड इंश्योर एंट्री एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट इन द गवर्नमेंट उन जॉब्स के लिए भी जिनका हाई डिमांड है एंड प्रीमियम है ओपन मार्केट में। ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन के अकॉर्डिंग अराउंड 1500 आईएएस ऑफिसर्स का शॉर्टेज है कंट्री में। बासवान कमेटी ने सपोर्ट किया है लैटरल एंट्री, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स एट वेरी यंग एज, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स काफी यंग एज पे आते हैं, इसलिए इट मेक्स अ डिफिकल्ट टू टेस्ट पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जजमेंट कैपेबिलिटीज। सम हु आर पोटेंशियली गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स फेल टू मेक इट एंड सम हु मेक इट फॉल शॉर्ट ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो मिड करियर जो लैटरल एंट्रेंट्स हैं, दीज विद प्रूवन कैपेबिलिटीज हेल्प ब्रिज दिस डेफिशिएंसी। तो आईएएस ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट जो काफी यंग एज पे होता है, दिस इज एक्चुअली अगेन, मतलब क्योंकि यहाँ पर आप उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट कैपेबिलिटी नहीं टेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर कैसे आते हैं, आईएएस ऑफिसर आपके किताबें रट रट के आते हैं, है ना, जैसा अभी हम आपको रटवा रहे हैं यहाँ पे। तो इनके पास खुद की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव या पोटेंशियल कैपेबिलिटी है नहीं, उसको आप कैसे जज कर सकते हैं? किताबें रटने से कोई बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर बन नहीं जाएगा, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के। तो जो मिड करियर जो लैटरल एंट्रेंट्स आ रहे हैं, इनके पास क्या है, दे हैव प्रूवन एक्सपीरियंस एंड दे हैव टेस्टेड देयर ओन कैपेबिलिटी, ठीक है। इसलिए आप आजकल देखते होंगे काफी आईएएस ऑफिसर्स रिजाइन वगैरह कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट बेयर द प्रेशर ऑफ द जो आपका पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर दीज पीपल। नाउ इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना, जो आपकी लैटरल एंट्री है नया फिनोमेना नहीं है। इट हैज बीन सक्सेसफुल इन आरबीआई, आरबीआई में भी आपके लैटरल, जैसे आपने देखा हो ग्रेड ए ग्रेड बी के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इस टाइप से जो रिक्रूटमेंट्स हैं ये क्या बाहर से आते हैं और डिपार्टमेंटल अंदर से प्रमोशन होता है। अगर आप ग्रेड ए में हुए हैं सिलेक्ट, तो आप ग्रेड बी में भी प्रमोट हो जाएंगे बाद में। एंड दी एसवेल प्लानिंग कमीशन एज वेल एज सक्सेसर नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इंस्टीट्यूशनलाइज प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ अकेडमिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। और ये बाकी कंट्रीज ने, यूएस में तो आप देखेंगे खासकर वहाँ पे स्पॉयल सिस्टम चलता ही है, यानी कि वहाँ पर ऐसे कोई फिक्स ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे इट इज अ स्पॉयल सिस्टम। वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ही अपॉइंट्स पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड्स इनटू हिज कैबिनेट। आईएएस वाज डिजाइन फॉर अ टाइम व्हेन द स्टेट वाज ऑल पावरफुल, ठीक है। आईएएस देखिए डिजाइन किस कब हुआ था, व्हेन द स्टेट वाज ऑल पावरफुल। दैट रियलिटी समवॉट चेंज्ड व्हेन विद लिबरलाइजेशन 1991 व्हेन द स्टेट वाज कंपेल्ड टू सीड मोर स्पेस टू द मार्केट्स। देयरफॉर इट बिकम्स क्रिटिकल कि जो आपकी गवर्नमेंट है इट असर्टेंस The impact its policy decisions have on various stakeholders, जैसे कि private sector हो गए, non-profit या फिर आपकी जो general public है, ठीक है, that is those who have experienced government from the outside। तो ये आपका पहले point का ही reiteration है कि आपके lateral entry से आपको outside perspective मिलेगा into the working of the system। अब इसमें concerns क्या क्या हैं, UPSC system जो है ये bypass हो जाता है, ठीक है, over the fact the government has allowed lateral entry bypassing UPSC, which conducts the three-tier civil services examination annually and has instead instructed the cabinet secretary-headed committee to recruit professionals. ये highly doubtful है कि जो domain expertise and aptitude जो candidates के हैं इनको properly assess कर पाएंगे only through a personal interaction. ठीक है, तो lateral entry में क्या हो रहा है कि एक cabinet secretary द्वारा headed committee है which will recruit professionals into the bureaucracy. ये चीज डाउटफुल है कि ये जो आप इंटरव्यू के बेसिस पे करवा रहे हैं एज अगेंस्ट जो आपका यूपीएससी करवाता है, जो एक थ्री टीयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, या हमारा जो यूपीएससी जो प्रीलिम्स मेंस थ्री टीयर, मतलब जो तीन लेवल पे होता है, प्री मेंस और आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो क्या एक पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पे, यानी कि सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आप लैटर मतलब एंट्री करवा सकते हैं सर्विसेज में एज अगेंस्ट यूपीएससी, मतलब कि आप क्या प्रॉपर टेस्टिंग कर पाएंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, वो यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अगला देखें तो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस हाउसेस जो हैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के व्यक्तियों को गवर्नमेंट पोजीशन में घुसाने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ स्किल्स एंड प्रॉब्लम कंसर्निंग गवर्नमेंट, आईएएस ऑफिसर्स डू नीड स्पेशलाइजेशन एंड गवर्नमेंट शुड आस्क ऑल ऑफिसर्स टू स्पेशलाइज इन वन डोमेन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। राइट नाउ मोस्टली जो आईएएस ऑफिसर्स हैं इनके पास कोई स्किल नहीं होती है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म एडवांटेज विद द करंट सिविल सर्विस इज दैट कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं इनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो गवर्नमेंट में, दे ऑल्सो हैव अ ट्रेडिशन ऑफ फेयरनेस एंड स्टेक इन द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर ब्रॉट ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 or 5 years दैट मे सर्व समवन एल्सेस इंटरेस्ट एज दे वुड हैव नो लॉन्ग टर्म स्टेक इन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि लैटरल एंट्री जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता है, ठीक है, रादर देन एज योर सिविल सर्वेंट जो आपके परमानेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या है कि इनका कोई लॉन्ग टर्म स्टेक नहीं है, तो वेदर दे वर्क एफिशिएंटली और नॉट दे वोंट बी इतना मतलब कंसर्न नहीं होंगे अपने खुद के वर्क को लेके, बिकॉज इनका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी 3 साल बाद या 5 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होगा उससे इनका कुछ ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा, तो इनके वर्क जो है वहाँ पर सफ़र कर सकती है।
और रिजर्वेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन। लैटरल एंट्री विल नॉट टेक इनटू अकाउंट द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर SC ST, यानी कि इसमें SC ST को रिजर्वेशन जो है नहीं मिल पा रहा है लैटरल एंट्री में, तो वो भी इन समुदाय के लिए काफ़ी समस्या है SC ST के लिए, कि इनको भी वहाँ पे लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो सिंस द एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन इशूड बाई DOPT एंड नॉट बाई UPSC, इट मीन्स कि सिलेक्शन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग करेगा, ठीक है, और द डिपार्टमेंट कंसर्न एंड नॉट बाई UPSC। मैंने कहा UPSC बेसिकली आपका बाईपास हो रहा है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि जो रिक्रूट्स हैं दे रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ फिसी पैरस टेंडेंसीज, वाइल देयर नीड्स बी स्ट्रेस ऑन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सैंक्टिटी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर शुड रिमेन फॉर द सर्विसेज, ताकि वो इंसुलेटेड रहे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है, यानी कि न्यूट्रलिटी जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी की दैट शुड बी मेंटेन, बिकॉज यहाँ पे रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट आप ही कर रही है, जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे है ना, डिपार्टमेंट और DOPT जो है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट को फेवर करने वाले आप ब्यूरोक्रेट्स को ले आए, इससे क्या है आप बेसिकली कमिटेड ब्यूरोक्रेसी आप क्रिएट कर रहे हैं रादर देन अ न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, गवर्नमेंट शुड एलैबोरेट कि क्या एक्सपर्टीज कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, एज ओपनिंग्स आर फॉर हाईली स्पेशलाइज पोजिशन, इसलिए रिक्रूटमेंट होना चाहिए आफ्टर वाइड कंसल्टेशन एंड यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। ठीक है, और ये देर इज अ नीड टू फिल द मेजर स्किल गैप, सिविल सर्विस स्किल्स टू बी अपग्रेडेड, वी नीड टू ब्रिंग इन बेटर स्पेशलाइजेशन एट लीस्ट इन लास्ट 15 ईयर्स ऑफ सर्विस पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल जॉब, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन द सर्विसेज। एक लैटरल रिक्रूट जो है ही शुड बी अलाउड टू फंक्शन इन अ कंजीनियल एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, ये चैलेंज रहेगा, बिकॉज जो आपके करियर ब्यूरोक्रेट्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं दे विल बेसिकली क्वेश्चन योर लैटरल रिक्रूट्स। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन, बिकॉज एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन है। अब लैटरल इंडक्शन जो हो रहा है एट द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एज प्रेजेंटली प्रपोज्ड वुड बी इवेलुएटेड ऑन द टच स्टोन ऑफ लीगैलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड बोनाफाइड्स। इट्स इंपॉर्टेंट नोट कि गवर्नमेंट की अंडर परफॉर्मेंस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट कॉल्स अ वाइड रेंजिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, and only time will tell कि if solutions like lateral entry from private sector work करेगा या नहीं करेगा या फिर ज़्यादा harm कर देगा rather than good। Next question, what are the issues in the functioning of the police system in India? Discuss in light of Prakash Singh case। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि पुलिस सिस्टम के फंक्शनिंग में क्या इशूज़ हैं, और जो प्रकाश सिंह का केस था इसके परिप्रेक्ष्य में आपको इसके ऊपर चर्चा करनी है, सवाल के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पुलिस जो है इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि स्टेट्स राज्यों के पास होता है ये सब्जेक्ट इन योर स्टेट लिस्ट। सेंटर अलाउड है टू मेंटेन इट्स ओन पुलिस फोर्स, ताकि वो स्टेट्स को असिस्ट कर सकें इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। देयरफॉर इट मेंटेन्स 7 सेंट्रल पुलिस फोर्सेज एंड सम अदर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेशलाइज टास्क, जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च के लिए एक्सेट्रा। देयर हैज बीन अ राइज ऑफ पब्लिक डिमांड फॉर एफिशिएंट, अकाउंटेबल एंड पीपल सेंट्रिक पुलिस, जो स्टेडफास्टली अपहोल्ड करेगी रूल ऑफ लॉ इन ऑल सिचुएशन। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है नेशनल पुलिस कमीशन एज वेल एज सेवरल मल्टीपल एक्सपर्ट कमिटीज बिठाई गई हैं, ताकि आपके पुलिस के रिफॉर्म्स, पुलिस की जो फंक्शनिंग है उसमें रिफॉर्म्स लाए जा सकें। लेकिन जो इनके रिकमेंडेशंस हैं अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, अनइम्प्लीमेंटेड ही रह गए हैं। अब इश्यूज़ क्या हैं पुलिस के साथ, अकाउंटेबिलिटी, पुलिस फोर्सेज की अथॉरिटी है फोर्स एक्सरसाइज करने की, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बचाया जा सके। ठीक है ना, हाउएवर ये जो पावर है दिस मे बी मिसयूज्ड इन सेवरल वेज टू चेक अगेंस्ट सच अब्यूज ऑफ पावर। काफ़ी कंट्रीज जो है इन्होंने सेफगार्ड बनाई है, जैसे अकाउंटेबिलिटी है पुलिस की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अपनी खुद के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को, और इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी होनी चाहिए, समझ में आया ये चीज़। तो ये पुलिस अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ईच पुलिस ऑफिसर जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि इंडिया में पुलिस का स्ट्रेंथ जो है हर लाख के पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे USA में अगर आप देखें तो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड कितना है, 222 पुलिस होने चाहिए 1 लाख के ऊपर। इंडिया की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 181 है सिर्फ 1 लाख के ऊपर, और वैकेंसीज वगैरह एडजस्ट करके एक्चुअल पुलिस स्ट्रेंथ कितनी है 137, यानी कि करीब आधी जो है आपके जो रिकमेंडेड है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम 2015 में देखा जाए तो जो कन्विक्शन रेट था क्राइम का अंडर योर IPC 1860 सिर्फ आपका 47.19% था। लॉ कमीशन ऑब्जर्व किया है कि वन ऑफ द रीजंस है पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी पुअर क्वालिटी। जैसे आपने अगर देखा हो तो जो आपका तलवार केस था, है ना, आरुषि तलवार केस में आप देख सकते हैं UP पुलिस वगैरह ने किस तरह से पुअर इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें आपके एविडेंस ही टैम्पर हो चुकी थी। ठीक है, बाद में CID या CBI ने जब ओवरटेक किया देन द इन्वेस्टिगेशन मूव्ड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, लेकिन इतना एविडेंस आपका टैम्पर हो चुका था जिसके वजह से आपका प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाया इन्वेस्टिगेशन।
पुअर पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न पुलिसिंग जो है इसको एक इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सपोर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न वेपन्स होने चाहिए और हाई डिग्री मोबिलिटी होनी चाहिए. कैग जो है इट हैज़ नोटेड शॉर्ट कमिंग्स ऑन सेवरल ऑफ दीज फ्रंट्स. पुलिस और पब्लिक रिलेशंस, पुलिस रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस कोऑपरेशन सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है कम्युनिटी का ताकि क्राइम एंड डिसऑर्डर जो है प्रिवेंट किया सके. पुलिस पब्लिक रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट कंसर्न इन इफेक्टिव पुलिसिंग. सेकेंड ARC जो है इसने नोट किया है कि पुलिस पब्लिक रिलेशन जो है अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट में है बिकॉज पीपल व्यू द पुलिस एज करप्ट इनएफिशियंट पॉलिटिकली पार्टीजन एंड अनरिस्पॉन्सिव. NHRC has made it very clear that with every passing year, evidence before the commission mounts that there must be a major police reform in the country if human rights situation is to be improved. ठीक है? तो NHRC ने क्या कहा है? It has made it very clear कि हर साल, every passing year, the evidence before the commission, यानी कि NHRC के सामने, it mounts कि there must be major police reforms. ठीक है? अगर human rights की situation आपको improve करनी है. सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक हिस्टोरिक जजमेंट पास किया था. इसने डायरेक्ट किया था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि ऑपरेशनल रिफॉर्म एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी आपकी पुलिस की होनी चाहिए. मतलब उस परिपेक्ष में टुवर्ड्स फंक्शनल ऑटोनॉमी, यानी कि एक ऑटोनॉमी होना चाहिए टोटली आपके पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंडर नहीं होना चाहिए. दूसरी बात ऑपरेशनल रिफॉर्म होना चाहिए यानी कि जिस तरह से पुलिस ऑपरेट करती है. इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था 2015 में टू माउंट प्रेशर ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंप्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स. ठीक है, तो इंडिया पुलिस फाउंडेशन आया था आपका, इंडियन पुलिस फाउंडेशन 2015 में, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, क्यों? क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है आपका पुलिस. ठीक है, टू इंप्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स. ये है आपका प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पुलिस रिफॉर्म्स है ये पूरा. ठीक है, सी एवरी क्वेश्चन, एवरी आंसर ऑफ आर जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली कॉम्प्रिहेंसिव. यानी कि हर इंफॉर्मेशन आपको पूरे एक टॉपिक की, बेसिकली अगर आप ये 835 क्वेश्चन कर रहे हैं जो यहाँ पे हम करवा रहे हैं, इसमें आप बेसिकली 835 क्वेश्चन के थ्रू 835 इशूज कवर कर रहे हैं. ये हमारा गारंटी है कि जितने भी आपके GS 1 से लेके 4 तक आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, एक्चुअल पेपर में जो आपका एग्जाम होने वाला है मेंस 18 अक्टूबर से, उसमें हमारी गारंटी है एटलीस्ट, मैं बता रहा हूँ आपको 70-80% आपके क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे, या फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स हम लोग आपको बता रहे हैं दैट विल बी यूज इन योर आंसर्स. उसलिए दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सीरीज. एंड ये सिर्फ UPSC जो है आपका 2018 के लिए ही नहीं बल्कि 2019-20 इसके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा. ठीक है, तो मतलब अगर आप अगले साल भी दे रहे हैं अगर PCS का मेंस जो है, तो स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए. ठीक है, ऑन स्ट्रिक्टली एंड फॉलो, मतलब आप इसको नोट साइमल्टेनियस बनाते जाइए. ठीक है, तो आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं क्या प्रकाश सिंह केस में. सेटअप अ सुप्रीम अ पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड. तो सेटअप अ पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड जो डिसाइड करेगा ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस और दूसरे सर्विस रिलेटेड मैटर्स पुलिस ऑफिसर्स के ऑफ एंड बिलो द रैंक ऑफ DSP. समझ में आया? तो एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनानी है जो DSP के रैंक के नीचे जो हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स, उनके DSP या फिर DSP के नीचे के जो रैंक के ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, प्रमोशन या फिर दूसरे सर्विस मैटर्स हैं वो डिसाइड करेगी. एंड मेक और रिकमेंडेशन भी देगी किस पे, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ द रैंक अबव द रैंक ऑफ DSP. यानी कि DSP एंड DSP के नीचे इसको कौन करेगा, इस पे आपके ट्रांसफर्स भी होंगे, पोस्टिंग्स होगी, प्रमोशन एटसेट्रा होगा. और DSP के जो रैंक के ऊपर हैं इनके लिए पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर जो है ये डिसाइड करेगी आपकी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड. ये एक सेटअप करना है आपको. दूसरा है एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन करना है आपको जो पॉलिसी गाइडलाइंस देगा और इंश्योर करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी अनवॉरंटीड इन्फ्लुएंस या प्रेशर ना डाले पुलिस के ऊपर. ठीक है, आपने देखा होगा पुलिस के ऊपर सीधा आपके स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर होता है. ठीक है ना, और इंश्योर करना है आपको, तीसरा डायरेक्टिव है इंश्योर कि जो DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ही इज अपॉइंटेड थ्रू मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड वो सिक्योर करते हैं अ मिनिमम, मतलब ही हैज टू सिक्योर अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years. देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जैसे हमने देखा है बाकी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या देता है, एक इंडिपेंडेंस देता है जो आपके व्यक्ति जहाँ पर अपॉइंट हुए हैं. इंडिपेंडेंस मतलब ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर. वाई? क्योंकि उनको आप जब तक उनका टेन्योर है 2 साल का, तो उसके पहले आप उनको रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है,
तो ही इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। चौथा डायरेक्टिव क्या है, इंश्योर करना कि अदर पुलिस ऑफिसर्स ऑन ऑपरेशनल ड्यूटीज, जिसमें आपके SP भी आएंगे हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड SHO हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years। यानी कि आपके DGP तो हैं ही, उनको मेरिट बेसिस प्रोसेस पे करना है आपको सिलेक्ट, साथ ही में उनको 2 साल का टेन्योर मिनिमम इंश्योर करवाना है। दूसरी बात, जो ऑपरेशनल ड्यूटी में पुलिस ऑफिसर्स लगे हैं, यानी कि जिसमें SP भी आएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज हैं और जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं SHO, उनको भी आपको मिनिमम सिक्योरिटी मिनिमम टेन्योर देना है 2 साल का। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट है और जो लॉ एंड ऑर्डर का जो फंक्शन है आपके पुलिस का, उसको आपको सेपरेट करना है। समझ में आया, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर सेपरेट करना है। एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी है आपको स्टेट लेवल पे, विच विल इंक्वायर इनटू पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ एंड अबव द रैंक ऑफ DSP, जहाँ पे सीरियस मिसकंडक्ट हुआ। यानी कि अगर जनता कोई कंप्लेन करना चाहे DSP के रैंक, DSP या DSP के रैंक के ऊपर, तो उसके लिए आपको एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी है स्टेट के लेवल पे, ठीक है, जहाँ पर सीरियस मिसकंडक्ट का क्वेश्चन उठे, जैसे कस्टडी पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाए किसी का, या फिर बहुत बुरी तरीके से किसी की आप बहुत बुरी तरीके से किसी को चोट पहुँचाए, मतलब पुलिस ने किसी को चोट पहुँचाए, या फिर पुलिस कस्टडी में रेप हो गया है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको क्या करना है, पब्लिक कंप्लेंट सेटअप करनी है फॉर पुलिस पर्सनल जो DSP के रैंक के नीचे हैं। यानी कि स्टेट लेवल पे आप सेटअप करेंगे एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सेटअप करेंगे एक क्या पब्लिक कंप्लेंट के लिए, पब्लिक कंप्लेंट के लिए एक अथॉरिटी सेटअप करेंगे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ पर आपके DSP के रैंक के नीचे होगा और यहाँ पर DSP और DSP के रैंक के ऊपर की पुलिस कंप्लेंट्स ली जाएंगी। इसके बाद एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी सेटअप करना है। तो पहले हमने स्टेट सिक्योरिटी कमीशन सेटअप किया था यहाँ पर, जो स्टेट को गाइडलाइंस देगा। यहाँ पे क्या है, यूनियन लेवल पे होगा, ये पैनल बनाएगा, इट विल प्रिपेयर अ पैनल फॉर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ चीफ्स ऑफ द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस विद अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years, ठीक है। तो इतना 2 साल का टेन्योर रखते हुए आप एक पैनल बनाएंगे फॉर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ चीफ्स ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब सजेशंस कुछ हैं यहाँ पर जिससे आप पुलिसिंग सिस्टम जो इंडिया में है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली बात, कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है, पुलिसिंग जो होती है उसको प्रमोट करना। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है, एरिया स्पेसिफिक प्रोएक्टिव प्रोसेस है वेर यू आर वर्किंग विद द कम्युनिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द क्राइम, मेंटेन करना पुलिस ऑर्डर को, रिजॉल्व करना लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स को विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग जो है इसको प्रमोट करने की जरूरत है। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है, एरिया स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव प्रोएक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप कम्युनिटी के साथ काम करेंगे सो दैट यू कैन प्रिवेंट एंड डिटेक्ट क्राइम, मेंटेन पुलिस ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर, रिजॉल्व करना लोकल कॉन्फ्लिक्ट को। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देना एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। स्मार्ट पुलिसिंग होना चाहिए। स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न और मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक सैवी होना चाहिए और ट्रेन होना चाहिए। तो ये आपका स्मार्ट का फुल फॉर्म हो गया। पुलिस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो होना चाहिए इसमें क्या है, फोकस होगा ताकि एटीट्यूडनल चेंज लाया जाए पुलिस में, ताकि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएं और सेंसिटिव हो जाएं सिटीजन्स नीड्स के लिए। जेंडर पैरिटी होनी चाहिए पुलिस फोर्स में, यानी कि 33 देखिए सेकेंड ARC जो है इसने रिकमेंड किया है कि रिप्रेजेंटेशन वुमेन का जो है पुलिस में हर लेवल पे इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है थ्रू एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन, ताकि ये कुल मिला के 1/3 पुलिस फोर्स का औरतें होनी चाहिए, महिलाएं। फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो एक नीड है टू एक्सपैंड द फोरेंसिक फैसिलिटीज और उनको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना। हर एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जिनका 30-40 लाख का पॉपुलेशन है उसमें एक फोरेंसिक लेबोरेटरी होनी चाहिए। इंप्रूवमेंट होना चाहिए इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो मशीनरी है आपकी इन दिस फील्ड इट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन एंड एट द सेम टाइम इसको अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इसको कंबाइन करना चाहिए विद इन्फॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज विद फोकस ऑन इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, साइबर क्राइम जो है ऐसे कुछ थ्रेट हैं विच कॉल फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशियंट पुलिस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। दस ओवर आर्किंग पुलिस रिफॉर्म जो है दिस इज द नीड ऑफ द आवर इन लाइट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी थ्रेट्स। इज दैट क्लियर। So now let us move on to the next question. What are the main provisions of DNA based technology use and regulation bill 2017? तो आपका जो DNA based technology regulation bill आया था, ठीक है, use and regulation bill 2017, उसके main प्रावधान क्या क्या हैं उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। जो DNA technology bill था आपका, it has been introduced India के parliament में ताकि एक national DNA database बनाया जा सके फॉर पुलिस, ताकि पुलिस को मदद मिले किसमें, क्राइम सॉल्व करने में और मिसिंग पर्सन जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में।
डीएनए इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कुछ सेफगार्ड्स हों ताकि ह्यूमन राइट्स जो हैं आपके, यानी कि मानवाधिकार जो हैं, उनका हनन ना हो और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। फर्दर क्रिएटिंग लार्ज डेटाबेस जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका नहीं है कुछ क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए, और लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं इनको हमें इफेक्टिवली टारगेट करना चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज उभर के आए थे, यानी कि आपका डीएनए टेक्नोलॉजी बल पुलिस की तो मदद करेगा किसमें, क्राइम सॉल्व करने के लिए और मिसिंग पर्सन जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ सेफगार्ड्स भी होने चाहिए ताकि मानवाधिकार का हनन ना हो और जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको इफेक्टिवली टारगेट किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी ताकि आइडेंटिटी ऑफ पर्सन जो है एस्टैब्लिश की जा सके। इसमें आपके मेन प्रावधान यहाँ पर दिए हुए हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहला यूज ऑफ डीएनए डेटा। तो बिल के अंदर डीएनए टेस्टिंग जो है अलाउड है ओनली इन मैटर्स लिस्टेड इन शेड्यूल ऑफ द बिल। जो बिल का शेड्यूल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल होते हैं, है ना, 12 शेड्यूल, उसी टाइप से इस बिल का भी अपना शेड्यूल है। उस शेड्यूल में जो मैटर्स लिखे हैं उसी में आप डीएनए टेस्टिंग जो है कर सकते हैं, जैसे कि ऑफेंसेस, सच एज एग्जाम्पल दिया है फॉर ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड 1860, या फिर पेटर्निटी सूट्स। पेटर्निटी सूट्स मतलब जहाँ पे आप ये पता करना चाहते हैं कि जो बच्चा है उसका बाप एक्चुअली है कौन, ठीक है, उसके पिता कौन है, या फिर आइडेंटिफाई करना अबैंडन चिल्ड्रन को, जिन बच्चों को आपने अबैंडन कर दिया, मतलब पैदा होने के बाद अनाथ आश्रम वगैरह छोड़ दिया, फिर ऐसे कहीं छोड़ दिया। दूसरी बात, परमिशन, डेटा, डीएनए डेटा का इस्तेमाल करने का परमिशन। तो डीएनए प्रोफाइल बनाते वक्त बॉडीली सब्सटेंसेज ऑफ पर्सन जो हैं कलेक्ट किए जा सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी द्वारा। अथॉरिटी जो है ये रिक्वायर्ड है टू अपटेन कंसेंट फॉर कलेक्शन इन सर्टेन सिचुएशंस। अरेस्टेड पर्सन के लिए अथॉरिटीज को कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, इफ द ऑफेंस कैरीज अ पनिशमेंट 7 साल के अंदर। अगर ऑफेंस जो है वो 7 साल के ऊपर का है या फिर उसमें डेथ दिया है तब कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो यहाँ परमिशन की बात की है कि डीएनए डेटा यूज करने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। फर्दर, अगर पर्सन विक्टिम है या रिलेटिव है मिसिंग पर्सन का, या माइनर डिसेबल्ड पर्सन है, तब उस केस में भी आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर कंसेंट डज नॉट गिवन इन द केस, अथॉरिटीज जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। डीएनए डेटा बैंक, तो नेशनल डीएनए डेटा बैंक और रीजनल डीएनए डेटा बैंक सेटअप की जाएंगी हर राज्य के लिए, ठीक है, या फिर 2 or more स्टेट्स के लिए। तो एक आपका नेशनल डीएनए डेटा बैंक होगा और राज्यों के लिए आपका रीजनल डेटा बैंक। नेशनल डेटा बैंक जो है इसमें इट विल स्टोर डीएनए प्रोफाइल्स जो कि आपके डीएनए लैब वगैरह से आएंगी, और डीएनए डेटा रिसीव करेगा रीजनल बैंक से भी। समझ में आपको? तो रीजनल डीएनए डेटा बैंक थे वहां से आएंगे इसके पास डीएनए का इन्फॉर्मेशन, दूसरा कहां से आएगा, डीएनए के लैब से। हर डेटा बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडेसेस फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डेटा। एक क्राइम सीन इंडेक्स से होगा, एक सस्पेक्ट या अंडर ट्रायल इंडेक्स, ठीक है, तो एक क्राइम सीन इंडेक्स, एक अंडर ट्रायल इंडेक्स, दूसरा ऑफेंडर इंडेक्स, मिसिंग पर्सन इंडेक्स, अननोन डिजीज पर्सन इंडेक्स। देखिए, आपको इतना ज्यादा प्रावधान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये बिल ही है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे डिटेल बता रहे हैं, बट आंसर में आपको, या फिर जब आप खुद पढ़ें इसको, तो एकदम डिटेल में आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यू शुड हैव एन ओवरऑल आइडिया। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो बिल के अंदर इट इज रिक्वायर्ड बोर्ड जो है आपका, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि ऑल जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है डीएनए प्रोफाइल से रिलेटेड उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, यानी कि लीक ना हो। डीएनए डेटा मे बी यूज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। हाउएवर, जो बिल है इट अलाउज फॉर एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटा बैंक फॉर द पर्पज ऑफ वन टाइम कीबोर्ड सर्च, ठीक है। दिस सर्च अलाउज फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डीएनए सैंपल टू बी कंफर्म्ड विद इन्फॉर्मेशन इन द इंडेक्स विदाउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल बीइंग इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। समझ में आया चीज़? यानी कि जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ठीक है, क्या करते हैं, जैसे अगर आपको किसी का कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ब्लड सैंपल मिला, हेयर सैंपल मिला, तो आपकी जो ये इन्वेस्टिगेशन ब्रांचेज हैं क्या करती हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं ये क्या करती हैं, आपकी सर्च करती हैं, है ना, जितना भी आपके पास प्रोफाइल है, डीएनए प्रोफाइल है, उसमें सर्च करती हैं। उसी टाइप से यहाँ बिल में कह रहे हैं कि एक कीबोर्ड सर्च किया जाएगा कि जो आपके पास डीएनए यहाँ पे मौजूद है, डीएनए डेटा, उसको आप जो आपका डीएनए बैंक है उसके डेटा से आप मैच कर लें, बस नाम आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। आप उस के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं निकाल रहे हैं, बस आपको नाम मैच करवाना है। समझ में आया चीज़? अब रिटेंशन ऑफ डीएनए डेटा, बिल जो है रेगुलर स्टेट्स द क्राइटेरिया फॉर एंट्री, रिटेंशन और रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल बाय स्पेसिफिक, जो कि रेगुलेशन द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा। हाउएवर, बिल प्रोवाइड्स फॉर रिमूवल ऑफ डीएनए डेटा ऑफ फॉलोइंग पर्सन। अगर कोई सस्पेक्ट है और पुलिस रिपोर्ट जो है इट इज फाइल्ड और कोर्ट ऑर्डर गिवन, मतलब दे दिया गया है, अंडर ट्रायल है अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, रिक्वेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट सस्पेक्ट अफेंडर अंडर ट्रायल फ्रॉम द क्राइम सीन और मिसिंग पर्सन इंडेक्स। एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड है, तो बिल जो है इसके अकॉर्डिंग एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड एस्टैब्लिश की जाएगी जो सुपरवाइज करेगा किसको, डीएनए डेटा बैंक्स को और डीएनए के लैब्स को।
सेक्रेटरी जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के, ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे इस डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड के। बोर्ड कंप्राइज करेगा एडिशनल 12 मेंबर भी, जिसमें आपके एमिनेंट पर्सन होंगे जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस होगा बायोलॉजिकल साइंसेस में, जो कि वाइस चेयरपर्सन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई या फिर उनके नॉमिनीज ऑफ एटलीस्ट द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर। फंक्शंस ऑफ बोर्ड, जो फंक्शन बोर्ड के जो फंक्शंस हैं उसमें क्या है फंक्शंस बोर्ड के, जो डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड था वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी ऑन ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशिंग डीएनए लैब्स या फिर डेटा बैंक्स। एक रेटेशन देगी डीएनए लैब्स को, डेवलप करेगी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और गाइडलाइंस फ्रेम करेगी फॉर ट्रेनिंग मैन पावर टू डील विद डीएनए रिलेटेड मैटर्स। डीएनए लैब्स, एनी लैब अंडरटेकिंग डीएनए टेस्टिंग जो है इसको एक रेटेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड रिवोक कर सकता है एक रेटेशन। एक रेटेशन मतलब आप बेसिकली क्रेडिफाई कर रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर जो आपका लैब है दैट इज फिट फॉर फंक्शनिंग। इसमें फेलियर का क्या क्या हो सकता है, मतलब रिमूव कैसे कर सकते हैं आप, रिवोक कर सकते हैं एक रेटेशन अगर वो डीएनए टेस्टिंग अगर उसमें फेलियर हो गया, कंप्लाई नहीं करता है विद कंडीशंस अटैच्ड टू एक रेटेशन। इफ एक रेटेशन इज रिवोक, तो अपील जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी और एनी अदर अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। डीएनए लैब्स के ऑब्लिगेशंस क्या हैं, बिल के अंदर एवरी डीएनए लैब जो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जिसमें है स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है क्वालिटी एश्योरेंस का, डीएनए सैंपल्स जो है आपको डिपॉजिट करना है डीएनए बैंक के साथ, और सैंपल डिपॉजिट करने के बाद लैब जो है इसको रिटर्न करना पड़ेगा बायोलॉजिकल सैंपल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। ऑफेंसेस इसमें क्या क्या है डीएनए बिल में, बिल स्पेसिफाइज पेनल्टीज फॉर वेरियस ऑफेंसेस, जैसे अगर डीएनए डेटा या फिर डीएनए इन्फॉर्मेशन जो है किसी ने डिस्क्लोज कर दिया तब आपको पनिशमेंट होगी। डीएनए सैंपल का इस्तेमाल किया आपने बिना ऑथराइजेशन के तब आपको क्या बोलते हैं पनिशमेंट मिल सकती है। प्राइवेसी इश्यूज जो है इनको कैसे हैंडल करेंगे, बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द वर्ल्ड। जैसे एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ डीएनए डेटा पर्सन अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इट डज नॉट सेट अ लिमिट टू हाउ लॉन्ग किसी का डीएनए जो है वो रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जैसे यूके में डीएनए ऑफ रिकॉर्डेबल ऑफेंस जो है इट कैन बी केप्ट ओनली फॉर 6 years, इसको अडॉप्ट किया सकता है इंडिया में फॉर बेटर रिजल्ट्स। लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है रिलेटेड टू साइंटिफिक कलेक्शन ऑफ डेटा इसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। मेंटेनेंस होना चाहिए किसका, स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी विद रिगार्ड टू कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डीएनए प्रोफाइल्स एंड का यूज एज रिकमेंडेड बाय मालेवत कमिटी रिपोर्ट। सेफ गार्ड दिया जाना चाहिए ताकि इलीगल कलेक्शन और डीएनए डेटा का यूज ना हो, ठीक है, एज स्टेटेड बाय एपी शाह कमेटी। नीड होना चाहिए किसका, रोबस्ट प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स क्राइम सीन से टू द लैब फॉर एनालिसिस, डीएनए बैंक फॉर स्टोरेज एंड कंपैरिजन। इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है वो अभी भी लैकिंग है फॉर दिस बिल। इस बिल को फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, फुल पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी भी होना चाहिए विच शुड बी यूटिलाइज टू अचीव दैट एंड। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखते हैं हम लोग, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिल। देखिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है डीएनए रेगुलेशन बिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। एक तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हो रहा है उसके लिए भी, साथ ही में जो कंट्रोवर्सी स्पेशली प्राइवेसी वगैरह को रिलेटेड जो आपकी कंट्रोवर्सी अराइज हुई है, ठीक है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी वगैरह, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट, तो दैट क्वेश्चन शुड बी थरो। साथ ही में ये जो आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है इसमें भी काफी मेजर चेंजेस लाई गई हैं। जैसे आपका रिसेंटली कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था जिसमें आपके दो स्टेट्स इन्वॉल्व थे, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तो हम अभी इस जो रेजोल्यूशन प्रोसेस इस डिस्प्यूट का उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, काइंडली फोकस ऑन इट। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 का, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसे आर्टिकल 262 जो संविधान का आर्टिकल 262 है इसके अंतर्गत जो है एस्टैब्लिश किया लाया गया था इस एक्ट को, ठीक है, और ये कब लाया गया था 1956 में, ऑन द ईव ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ताकि वाटर डिस्प्यूट जो है इनके बीच में अगर अराइज होता है रिलेटिंग टू यूज कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका समाधान के लिए आपके ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था। आर्टिकल 262 जो है भारतीय संविधान का, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रोल देता है इन एडजुकेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स जो इंटर स्टेट रिवर्स से अराइज होती है। इंटर स्टेट रिवर मतलब क्या, दो स्टेट्स हैं उनके बीच में रिवर फ्लो कर रही है तो इंटर स्टेट रिवर हो गया। अब प्रॉब्लम्स क्या है जो प्रेजेंट सेटअप है, वाटर इंक्रीजिंग डिमांड के साथ साथ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी काफ़ी बढ़ रही हैं। आपने सतलज रिवर का भी इशू देखा होगा हरियाणा पंजाब के बीच में, वैसे आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट था, ऐसे आपके काफ़ी और भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू एड्रेस सच डिस्प्यूट्स, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा खामियाँ हैं। जो प्रेजेंट एक्ट है उसमें एक सेपरेट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करना पड़ता है हर एक डिस्प्यूट के लिए, यानी कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल हो जाएगा, फिर आपका सतलज वाटर डिस्प्यूट
ट्राइब्यूनल हो जाएगा। इस टाइप से जो भी डिस्प्यूट होती हैं उसके लिए एक सेपरेट सेपरेट ट्राइब्यूनल बनाना पड़ता है। ट्राइब्यूनल क्या होता है? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जैसे कोर्ट्स, बट इसमें एक्सपर्ट मेंबर्स बैठते हैं। आज करेंटली जो है 8 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स हैं, जिसमें रवि एंड ब्यास वाटर ट्राइब्यूनल है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है। इस टाइप से करेंटली कोई भी टाइम लिमिट नहीं है एडजुडिकेशन पे, यानी कि कितने टाइम में आप डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं इस पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ना ही रिपोर्ट पब्लिश करने में। रिपोर्ट मतलब डिस्प्यूट पे रिपोर्ट, ठीक है, इसको कितना पानी मिलना चाहिए उस पर रिपोर्ट पब्लिश करने का भी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। और जो 8 ट्रिब्यूनल करेंटली हैं उसमें से सिर्फ 3 ही जो हैं वो अपना एक्चुअल अवार्ड दे पाए हैं। अवार्ड मतलब कि आपने रिजल्ट दिया है। ट्राइब्यूनल जैसे कावेरी एंड रवि ब्यास हैं, ये 26-30 सालों से हैं लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी अवार्ड नहीं दिया। तो यानी कि आप देख सकते हैं कब से वो जो इशू है वो लंबित पड़ा हुआ है। साथ ही में कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है चेयरमैन और मेंबर्स के लिए भी, ठीक है। तो ये कुछ इशूज़ हैं जो हमारा करंट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 का है। अब ये जो नया बिल लेके आ रहे हैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था इसको, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डिपार्टमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इसकी जो मिनिस्टर हैं मिस उमा भारती, ठीक है। इस बिल का क्या एम है? इट सीक्स टू अमेंड योर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है? मुख्य प्रावधान डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। तो एक्ट के तहत अंडर द एक्ट व्हेन अ कंप्लेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग वाटर डिस्प्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अफेक्टेड स्टेट से बोलेगी कि नेगोशिएशन कीजिए ताकि डिस्प्यूट जो है आप सेटल कर सकें। अगर डिस्प्यूट नहीं सेटल हो पा रहा है नेगोशिएशन की बदौलत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इट विल सेटअप अ वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1 साल के अंदर ऑफ रिसीविंग अ कंप्लेंट। समझ में आया? ये कौन सा एक्ट की बात हो रही है? 1956 का जो एक्ट था यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो पुराना एक्ट था। एक्ट में क्या है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आपके सेंटर को कंप्लेन करती है कि भाई हमारे पानी का इशू हो रहा है इंटर स्टेट रिवर वाटर का, तो जो सेंटर क्या करेगी, जितने भी स्टेट्स यहाँ इन्वॉल्व है, मान लीजिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, तमिलनाडु ने कंप्लेन किया सेंटर को, तो सेंटर क्या बोलेगी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट में कौन कौन इन्वॉल्व है, आपका केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सबको बोलेगी कि आपस में बैठ के आप बातचीत से इसको रिजॉल्व कीजिए। अगर नहीं आप रेजोल्यूशन आ पाता तब सेंटर क्या करेगा, सेंटर एक ट्राइब्यूनल सेटअप करेगा फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट विद इन 1 ईयर ऑफ दिस कंप्लेन। समझ में आया? तो लेकिन ये जो नया बिल आया है हमारा, ये क्या करता है, इस प्रोविजन प्रावधान को रिप्लेस कर देता है। और ये इट रिक्वायर्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेटअप अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी किसी भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए। ये DRC को 1 साल दिया जाएगा जिसको मैक्सिमम 6 महीने से एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि वो अपना रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटअप करें। समझ में आ रहा है? यानी कि हर रिवर डिस्प्यूट के लिए आप बार बार ट्राइब्यूनल नहीं सेटअप करेंगे, इसकी जगह पे एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का गठन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सारे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को एमिकेबली रिजॉल्व करेगी। इस DRC को 1 साल का टाइम मिलेगा जिसे आप 6 महीने से बढ़ा सकते हैं ताकि वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर सके। DRC के मेंबर्स कौन होंगे? मेंबर्स ऑफ DRC विल बी फ्रॉम रेलेवेंट फील्ड्स एज डीम्ड फिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्राइब्यूनल, एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाएगा फॉर एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स इफ अ डिस्प्यूट इज नॉट रिजॉल्व थ्रू DRC। समझ में आया? तो अगर DRC के द्वारा अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है तब आप सेटअप करेंगे इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्राइब्यूनल। इस ट्राइब्यूनल के अलग अलग बेंचेस हो सकते हैं। तो पहले जैसे अलग अलग ट्राइब्यूनल आप सेटअप करते थे, अब क्या होगा, एक ही ट्राइब्यूनल होगा, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ठीक है, लेकिन इसके बेंचेस अलग अलग होंगे। समझ में आया? जितने भी सारे एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल, जो 8 एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल्स थे, इनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और जो वाटर डिस्प्यूट्स पेंडिंग है एडजुडिकेशन बिफोर एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल, इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस नए ट्राइब्यूनल के पास। समझ में आया चीज? ट्राइब्यूनल की कॉम्पोजिशन क्या होगा? इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन, एंड नॉट मोर देन 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होंगे? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है जो सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी सर्व कर रहे हों, नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर, जो कि एसेस करेंगे, दे विल बी अपॉइंटेड एज एसेसर्स, जो एडवाइस करेंगे बेंच को अपने प्रोसीडिंग्स में। टाइम अलॉटेड कितना है ट्राइब्यूनल को? कोई भी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है जो अभी का एग्जिस्टिंग एक्ट है, इसमें इट हैज़ टू गिव इट्स डिसीजन ऑन अ डिस्प्यूट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, लेकिन इस पीरियड को आप एक्सटेंड कर सकते हो बाय मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। बिल क्या करता है? बिल ने प्रपोज किया है, बिल ने कहा है कि जो प्रपोज ट्राइब्यूनल है उसको अपना डिसीजन देना है 2 साल के अंदर, और इसको मैक्सिमम आप एक्सटेंड कर सकते हैं सिर्फ 1 साल से। समझा रहा? तो जो पहले 3 और 2 था उसको घटा के इन्होंने 2 और 1 कर दिया है। एक्ट जो एग्जिस्टिंग है, जब भी एक्ट कह रहे हैं मतलब जो एग्जिस्टिंग एक्ट है, बिल का मतलब जो नया बिल लेके आए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, अमेंड करने के लिए। तो एक्ट के अंदर अगर कोई भी मैटर है दैट इज रेफर्ड टू ट्राइब्यूनल बाय अ स्टेट फॉर फर्दर कंसिडरेशन, तो ट्राइब्यूनल को वो सबमिट करना है रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इस 1 ईयर को आप एक्सटेंड कर सकते हो
इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच अ पीरियड एज इट मे कंसिडर नेसेसरी। बिल अमेंड कर देता है इस प्रावधान को बाय मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स। ट्राइब्यूनल का डिसीजन एक्ट के अंदर जो डिसीजन और ट्राइब्यूनल है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करेगी ऑफिशियल गैजेट में। आफ्टर पब्लिकेशन डिसीजन जो है इट हैज द सेम फोर्स एज द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल के अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट में जो है उसको रिमूव कर दिया है। बिल ऐड करता है कि जो बेंच है ट्राइब्यूनल का उसका डिसीजन जो है फाइनल और बाइंडिंग होगा सारे पार्टीज में, यानी कि दोनों पार्टी जितने भी पार्टीज थी उसमें रिवर डिस्प्यूट में बाध्य होंगे इस डिसीजन को फॉलो करने के लिए, और इस डिसीजन का फोर्स जो है दैट विल बी सेम एज एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये डेटा बैंक एंड इन्फॉर्मेशन बैंक जो है आपका रखा जाएगा, ठीक है, उसका मेंटेन करना है। अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेगी डेटा बैंक एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम नेशनल लेवल पे हर लेबर बेसिन के लिए, ठीक है, जो एक्ट था आपका। बिल में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एंड ऑथराइज करेगी एजेंसी को कि वो डेटा बैंक को मेंटेन करे इन्फॉर्मेशन सिस्टम को एट नेशनल लेवल हर रिवर बेसिन पे। और एक्स्ट्रा रूल मेकिंग पावर्स आपको दे दी गई हैं। बिल जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देता है टू मेक रूल्स जिसमें वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशंस अराइजिंग फ्रॉम शॉर्टेज इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल जो है ये स्ट्रीमलाइन करेगा एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, और प्रेजेंट लीगल और इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर जो है इसको और मजबूत यानी कि रोबस्ट बनाएगा। अब 10वां सवाल देखते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति का अपराधीकरण। इट्स अ डिजीज दैट विल मेक आर डेमोक्रेसी हॉलो, प्रजातंत्र को हॉलो करेगा इफ लेफ्ट अनचेक्ड। अगर हम लोग अपने राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब हमारी जो प्रजातंत्र है वो हॉलो हो जाएगी, ठीक है। करेंगे तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है जो आपके क्रिमिनल्स जो हैं पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड इवन गेटिंग इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इट टेक्स प्लेस प्राइमरली बिकॉज ऑफ नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड सम ऑफ द पॉलिटिशियंस, यानी कि जो साठगांठ होती है अपराधियों के बीच में और जो आपके पॉलिटिशियन इनके बीच में जो होती है, इसके वजह से जो क्रिमिनल्स हैं आपके पॉलिटिक्स में एंटर करते जा रहे हैं, इलेक्शंस के लिए खड़े भी होते हैं और साथ ही में काफ़ी जो हैं आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जीत के भी एमपी एमएलए बन जाते हैं। तो क्रिमिनल्स को पेट्रनेज की ज़रूरत है पॉलिटिशियंस की, पेट्रनेज मतलब उनको प्रोटेक्शन, ठीक है। ऑक्यूपाइंग पब्लिक ऑफिसेज टू कंटिन्यू विद देयर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, एंड पॉलिटिशियंस को पैसा और मसल पावर चाहिए, ठीक है। तो क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियंस से क्या मिलता है, इनका नेक्सस साठगांठ के बारे में बताया यहाँ पे। क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियंस से क्या मिलता है, अगर क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियंस की पेट्रनेज मिलेगा यानी कि उनका प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो ऐसी पॉलिसीज लाएंगे या फिर जैसे पुलिस पे प्रेशर डाल के क्रिमिनल्स को नहीं पकड़वाएंगे, ठीक है। और पॉलिटिशियंस को क्रिमिनल से क्या फ़ायदा होता है, पॉलिटिशियन को क्रिमिनल से मिलता है पैसा और मसल पावर जो क्रिमिनल्स पॉलिटिशियन को दे सकते हैं जिसके वजह से वो इलेक्शन जीत सकते हैं, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम जो नेक्सस है क्रिमिनल्स का, इस नेक्सस की वजह से क्रिमिनल्स खुद भी इलेक्शंस कंटेस्ट करना चालू कर दिए हैं। 17% ऑफ 5,380 कैंडिडेट्स जिन्होंने लोकसभा इलेक्शंस 2014 कंटेस्ट किया था, इनके 17% के क्रिमिनल चार्जेस थे उनके एफिडेविट में। उसमें 10% जो थे इनके सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे जैसे कि मर्डर और रेप। इंडिया में नया फिनोमेना नहीं है ये। सबसे पहला इंस्टेंस क्या था, बूथ कैप्चरिंग एक्ट वॉज रिपोर्टेड इन 1957। देख रहे हैं आप, आज़ादी के 10 साल बाद ही जो सबसे पहला इंस्टेंस आया था बूथ कैप्चरिंग का। इसमें हायर्ड गूंस थे, ठीक है, गूंस मतलब गुंडे हो गए आपके, जिन्होंने मोबिलाइज किया था या फिर टर्नआउट को सप्रेस, यानी कि जो वोटर देने जा रहे हैं वोट डालने जा रहे हैं उनको सप्रेस किया ऑन वो और वोट ऑन बिहाफ ऑफ द डिसएनफ्रेंचाइज वोटर्स। इन रिटर्न फॉर देयर वर्क पॉलिटिशियंस ने इन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी कि पुलिस से बचाया इन क्रिमिनल्स को। लेट 1960s तक जो री इलेक्शन रेट था ऑफ इनकम्बेंट्स जो था, इनकम्बेंट मतलब जो अभी भी ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनका इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा था। हेंस गूंस जो थे दे वर रिलेटिवली अश्योर्ड ऑफ पॉलिटिकल फेवर्स आफ्टर दे हेल्प्ड अ पॉलिटिशियन विन द इलेक्शन। लेकिन जैसे पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ अनसर्टेनिटी री इलेक्शन का काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, क्रिमिनल्स खुद ही पॉलिटिक्स में आ गए ताकि वो अपने जो काम है अपने प्रोटेक्शन और अपने सर्वाइवल के लिए कंट्रोल सबसे ज़्यादा बढ़ा सकें। इंदिरा गांधी बैनिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑफ इलेक्शन इन 1969 विच एलिमिनेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल सोर्स ऑफ कैंपेन फाइनेंस एंड पुश्ड फाइनेंसिंग अंडरग्राउंड। इंदिरा गांधी ने कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट मतलब जो आपके कॉर्पोरेट्स होता है कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई या फिर आपके
दूसरे ग्रुप्स हो, टाटाज हो गए एक्सेट्रा, ये जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं, ये जो इलेक्शंस में फाइनेंस करते थे, इनको बैन कर दिया इंदिरा गांधी ने 1969 में। इससे क्या हुआ, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल सोर्स, यानी कानूनी सोर्स है ये आपके कैंपेन सोर्स का, कैंपेन के फंडिंग का। लेकिन जब बैन के बाद क्या हुआ, ये पूरा फाइनेंसिंग जो है अंडरग्राउंड यानी क्रिमिनल्स के हाथ में चला गया। एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन जो है ये बढ़ता रहा ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है 1952 के जो जनरल इलेक्शन था उसमें सिर्फ 55 थी, और ये आज 2014 में अगर आप देखें तो वो 464 है, यानी कि अराउंड 9 से 10 गुना के बीच में ये बढ़ोतरी हुई है नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में। और साथ ही में आपका जो फ्रीबीज देने की जो आदत है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की, जैसे यूपी वगैरह में लैपटॉप वगैरह बंटवाया था, साउथ में आप देखें तो स्कूटर साइकिल ठीक है एक्सेट्रा जो बंटवाए जाते हैं। इसके वजह से क्या है, पार्टीज कंपिटेटिव सर्च करती हैं फॉर अंडरग्राउंड फाइनेंसिंग एंड दे प्लेड इन टू द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल्स एंड रैकेटियर्स हु हैड द मीन्स टू अक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश विदाउट डिटेक्शन। तो ये देखिए मोस्टली जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज होती हैं कैश में होती हैं, ठीक है, इनका बैंकिंग से मतलब ये बैंकिंग से दूर रहता है, बैंकिंग जो आपकी सिस्टम है ठीक है। तो इसलिए एक ये भी नोटबंदी जो हुई थी आपकी, अगर आप देखें तो यूपी के इलेक्शंस के कुछ पहले भी थी, एंड यूपी के इलेक्शंस में जो आपकी क्रिमिनल जो फंडिंग होती है काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ की पार्टीज़ को, जैसे सपा बसपा वगैरह हो गई ठीक है, ये क्रिमिनल फाइनेंसिंग पे काफ़ी डिपेंड करती हैं। लेकिन डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, जितना भी इन क्रिमिनल पार्टीज़ के पास कैश वैश था वो सब क्या हो गया, निरस्त हो गया, यानी कि उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया नोटबंदी के बाद। इसीलिए आप देखेंगे जो यहाँ की रीजनल यूपी की जो रीजनल पार्टीज थी जैसे बसपा सपा जो आपके क्रिमिनल फाइनेंस पे काफ़ी डिपेंड करते थे, ये ऑलमोस्ट समाप्त हो गई ठीक है ना, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा आपके 2017 के जो चुनाव हुए थे यूपी में। 10 पार्टीज जो है इन्होंने टेंटेड कैंडिडेट्स को फील्ड किया बिकॉज दे कुड कंटेस्ट इलेक्शन विदाउट बिकमिंग अ बर्डन ऑन द प्राइम पार्टीज लिमिटेड ऑफिस। समझ में आया चीज़। डेटा फ्रॉम लास्ट ईयर जनरल इलेक्शन शो की स्ट्रैटेजी वॉज एन इलेक्टोरल सक्सेस और कैंडिडेट विद क्रिमिनल केसेस ये 3 times मोर लाइकली होते हैं, दे आर 3 times मोर लाइकली टू विन दैन अ क्लीन कैंडिडेट। समझ में आ रहा है चीज़। रीजंस, अब इसके कारण क्या है प्राधिकरण के हमारे राजनीति का, करप्शन। एवरी इलेक्शन में ऑल पार्टीज विदाउट एक्सेप्शन दे पुट अप कैंडिडेट्स विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, इवन दो सम ऑफ अस वाइन अबाउट द डिसीजन टेकन, द जनरल ट्रेंड इज की ये जो कैंडिडेट्स हैं ये ज़्यादातर ऑफिस में इलेक्ट होकर आते हैं। Backing in such a manner, we fail to realize the greatest power that democracy arms the people is to vote incompetent people out of power. समझ आ रहा है। तो यहाँ ने कि देखिए अपराधीकरण क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि जो आपके जैसे हमने पिछले पेज पे भी देखा कि जो आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स हैं उनके जीतने की क्षमता ज़्यादा होती है, और भले ही हम लोग कितना भी कंप्लेन करें कि अपराधी जो हैं आपके कंटेस्ट कर रहे हैं, बट ये ज़्यादातर जीतते हैं अपने ऑफिस के लिए, इलेक्शन में जीत जाते हैं। तो हमारी जो खुद की सबसे बड़ी ताकत है, जो वोट की ताकत है, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इन लोगों को बाहर निकालने के लिए ठीक है। क्रिमिनलिटी एंड विनेबिलिटी जो हम पहले देख चुके हैं, एविडेंट लिंक बिटवीन क्रिमिनलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ये फर्दर रीइंफोर्स होता है जब इनकी विनेबिलिटी देखते हैं हम लोग। व्हेन व्हाइल एनी रैंडम कैंडिडेट का 1 in 8 चांस होता है लोकसभा सीट जीतने का, MP बनने का, कैंडिडेट जिसके क्रिमिनल चार्जेस हैं उसके ऊपर उसके 2 गुना ज़्यादा चांस होते हैं एज अ क्लीन कैंडिडेट, जो हमने पिछले पेज पर देखा है 3 गुना, तो 2 से 3 गुना आप मान लीजिए कि उसके ज़्यादा चांस होते हैं। वोट बैंक, पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इनके एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेंडिचर होते हैं वोट बाइंग के एंड अदर इलेजिटिमेट पर्पसेस थ्रू दीज क्रिमिनल्स और सो कॉल्ड गुंडास। पॉलिटिशियन का लिंक जो है विद देम कॉन्स्टिट्यूएंसी, विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है प्रोवाइड्स अ कंजीनियल क्लाइमेट टू पॉलिटिकल क्राइम। मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स जो है मैनूवरेबल होते हैं और परचेजेबल होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर इंडिविजुअली टिमिड एंड कलेक्टिवली कावर्ड। समझ में आ रहा है। तो गेन द सपोर्ट इज ईजियर फॉर द करप्ट। Denial of justice and rule of law, voters, political parties and the law and order machinery of the state are all equally responsible for this. Kafi little faith hai in India in the efficacy of democratic process is in actually delivering good governance. This extends to accepting criminalization of politics as a fact of life. Theek hai? Toothless laws matlab law jo kanoon aise hain jinka koi effect hi nahi hai. Theek hai? Matlab ek tarah se समझ रहे हैं टूथलेस का मतलब, जैसे आपके शेर के पास दांत ही ना हो उस टाइप से। अगेंस्ट कन्विक्टेड क्रिमिनल्स स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन फर्दर इंकरेज दिस प्रोसेस। करंट लॉ में ओनली पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड एट लीस्ट ऑन 2 counts कैन बी डिबार्ड फ्रॉम बिकमिंग कैंडिडेट। दिस लीव्स द फील्ड ओपन फॉर चार्ज शीटेड क्रिमिनल्स, मेनी ऑफ होम आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स और हिस्ट्री शीटर्स। गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस, रूट प्रॉब्लम लाइज इन द कंट्रीज पुअर गवर्नेंस कैपेसिटी। एक हाथ पे इंडिया का एक्सेसिव प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी अपने आप को इंसर्ट कर सकती है ऑर्डिनरी लाइफ में, दूसरे हाथ पे देखें तो इट अपियर्स वोफुली अंडर स्टाफ्ड टू परफॉर्म इट्स मोस्ट क्रूशियल फंक्शंस। अच्छा, जैसे मेजर्स क्या हैं,
ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कैंपेन फाइनेंसिंग में, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के पास पावर होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको ऑडिट कर सके, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज फाइनेंसेस शुड बी ब्रॉट अंडर दी आरटीआई। ब्रॉडर गवर्नेंस होना चाहिए, ब्रॉडर गवर्नेंस विल हैव टू इंप्रूव फॉर वोटर्स, ताकि उनका क्रिमिनल पॉलिटिशियंस पे रिलायंस कम हो जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए, दीज आर नेसेसरी बिकॉज पॉलिटिशियंस आर एबल टू डिले द जुडिशियल प्रोसेस एंड सर्व फॉर डिकेड्स बिफोर प्रोसिक्यूशन। इलेक्शन कमीशन को एडिक्वेट मेजर्स लेना चाहिए ताकि वो नेक्सस तोड़ सकें क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के बीच में। समझ में आ रहा है? फॉर्म्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर कैंडिडेट्स डिस्क्लोजिंग देयर कन्विक्शन, केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स एंड सो ऑन इन द नॉमिनेशन पेपर्स इज अ स्टेप राइट इन द राइट डायरेक्शन इफ अप्लाइड प्रॉपरली। नीड काफी है क्लेंसिंग पॉलिटिक्स का ऑफ द क्रिमिनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इट हैज बीन फ्लैग्ड वंस अगेन। प्राइमरी सैक्रिफाइस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इज दैट ऑफ गवर्नेंस अलॉन्ग विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सपेंसिव इलेक्शन कैंपेनिंग अगर होती है तो दिस फेवर्स कैंडिडेट जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कैंडिडेट जब इलेक्ट होते हैं तो दे सीक टू रिकवर देयर एक्सपेंसेस, यानी कि जितना इनका खर्चा होता है इलेक्शन में, ये कोशिश करते हैं कि वापस जो इनका जितना खर्चा हुआ है उसको वापस रिकवर किया जाए, ठीक है, एज क्विकली एज पॉसिबल, स्पेशली इन द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन है सबसे ज्यादा इसको बढ़ोतरी मिली थी जब आपकी गठबंधन की सरकारें आपके सेंटर वगैरह पे चल रही थी या फिर स्टेट्स में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, डिस्कस सम ऑफ द लेटेस्ट इश्यूज। तो बांग्लादेश और जो भारत है इसके बीच में सहयोग के क्या क्या पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है, और इसमें कुछ जो लेटेस्ट इश्यूज आई हैं उनको भी हमें उस पर भी हमें ध्यान करना है। इसका आंसर देखते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश जो है दी शेयर अ यूनिक बॉन्ड और एक स्पेशल रिलेशनशिप है रूटेड इन कॉमन कल्चरल हेरिटेज, shared principles and values which are forged by common aspirations and sacrifices of its people. India committed here to carry forward the mission of strengthening the historic bonds and impart a vision for the future which is durable and sustainable. Bangladesh ki geopolitical importance dekhe India ke liye to wo teen factors hai, theek hai, ye kafi important hai, please note this down, theek hai. India Bangladesh ke relation, India and uske neighbors ke jo relations hai, that is very important for your UPSC इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंडिया के नेबर्स, इंडिया का चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, म्यांमार हो गया, इन सब के साथ जो हमारे रिलेशंस है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, खासकर आपका बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना एंड श्रीलंका। तो बांग्लादेश का जो जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, इसमें तीन मुख्य कारण है। सबसे पहला, बांग्लादेश जो है स्ट्रेटेजिक वेज है बिटवीन मेनलैंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न सेवन स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। ईच ऑफ दी स्टेट्स इज लैंडलॉक्ड एंड हैज शॉर्टर रूट टू द सी थ्रू बांग्लादेश। समझ में आया चीज? देखिए, पोर्ट लेट डेवलपमेंट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। पोर्ट लेट, पोर्ट क्या होता है? जो आपका तट पे, जो आपके जहाँ पे शिप्स वगैरह आती हैं। आप जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं विशाखापट्टनम शहर का, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये शहर है। यहाँ पर पोर्ट की वजह से विशाखापट्टनम का डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ कोस्टल आंध्रा काफ़ी फास्ट रहा है, इवन आफ्टर रिसेंट साइक्लोन्स जिसमें ऑलमोस्ट पूरा शहर जो है तबाह हो गया था, मतलब मैक्सिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तब भी विशाखापट्टनम काफ़ी फास्ट कवर किया बिकॉज इसके खुद के फाइनेंसेस, बिकॉज ऑफ द लार्ज पोर्ट, लार्ज एंड एफिशिएंट पोर्ट वहाँ पे, उसके वजह से काफ़ी फाइनेंसेस हैं जिसकी वजह से इसकी रिकवरी काफ़ी फास्ट हुई है। तो पोर्ट से डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है। अब अगर आप इंडिया का नक्शा देखें तो इंडिया कुछ इस प्रकार है ना, इस प्रकार है, ठीक है। ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर बीच में छोटा सा कॉरिडोर है, ये आपका इंडिया है, ठीक है। अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सारे के सारे, यहाँ पे आपका म्यांमार वगैरह चालू होता है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये पूरा लैंड लॉक्ड है, ऊपर भी पूरा लैंड, इधर पे भी लैंड, यहाँ पे भी लैंड, यानी कि इनका जो कनेक्टिविटी है आपका सी से ये काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन तो इंडिया और इंडिया और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनको जोड़ने के लिए सिर्फ ये छोटा सा पतला सा चिकन कॉरिडोर है, ठीक है। इसको चिकन कॉरिडोर बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी आपके सी से भी कम है, मेनलैंड से भी कम है, तो ये एक अलग थलग से रह गए हैं। प्लस इनका डेवलपमेंट काफ़ी स्लो पेस पे है एज़ कम्पेयर टू योर मेनलैंड इंडिया, ठीक है। अभी 2014 में आफ्टर दी कमिंग ऑफ दिस बीजेपी गवर्नमेंट, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ाया गया है। और अगर बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता है तो वी कैन ऑल्सो यूज़, तो क्या है, बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी जो है आपके सी से बढ़ जाएगी, जैसे क्योंकि यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ से क्या है, इनका रूट काफ़ी छोटा पड़ेगा। अदरवाइज इन्हें इंडिया में सामान ला के फिर यहाँ से इधर जाना पड़ेगा, राइट। प्लस इंडिया से अगर कोई सामान ट्रांसफर करना है, लोगों को ट्रांसफर करना है, इफ़ वी कैन गो थ्रू बांग्लादेश, तो हमारे लिए रूट काफ़ी छोटा पड़ेगा रादर देन यहाँ से ऊपर से जाके फिर इधर का आना। समझ में आया चीज़? तो आप एक बार मैप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। करेंटली क्या है, कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द्वारा डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड कार्गो के लिए।
तो बांग्लादेश नेचुरल पिलर है लुक ईस्ट पॉलिसी का, ये दूसरा पॉइंट आ गया, बांग्लादेश इज अ नेचुरल पिलर ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। अभी क्या है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, पहले लुक ईस्ट था अभी एक्ट ईस्ट हो गया है। एक फ्रेंडली बांग्लादेश होगा, एक्ट ईस्ट मतलब ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं आपकी, है ना, जैसे आपके थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ठीक है, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनके लिए भी, कंबोडिया, लाओस एक्सेट्रा जो कंट्रीज हैं इनके लिए हमारा बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छा होना विल बी वेरी यूजफुल। अ फ्रेंडली बांग्लादेश जो है इट विल इंश्योर नो एंटी इंडिया टेरर और इंसर्जेंट एक्टिविटीज, बिकॉज बांग्लादेश क्या है, इस्लामिक देश है, तो वहाँ से भी इंडिया के खिलाफ टेररिज्म होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर बांग्लादेश हमारे लिए फ्रेंडली होगा, जैसे अभी शेख हसीना के अंदर है, तो वहाँ से हम लोग का एक तरह से गारंटी होगी कि कोई एंटी इंडिया टेरर या इंसर्जेंट एक्टिविटी ना हो पाए, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉयल अनलाइक इन द पास्ट, ठीक है, विल सब्सटैंशली असिस्ट इंडिया इन हैंडलिंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन सम ऑफ इट्स नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए ये भी है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो आपके सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट्स हैं, उल्फा हो गया या फिर NSCN वगैरह, ये सब क्या करते थे, इंडिया में इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ करके सीधे बांग्लादेश चले आते थे, लेकिन अगर बांग्लादेश हमारे लिए फ्रेंडली होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाना इनके लिए कठिन होगा और हम लोग वहाँ पे भी इंसर्जेंसी रोक पाएंगे। इंपॉर्टेंटली एक न्यूट्रल बांग्लादेश जो है इट विल इंश्योर कंटेनमेंट ऑफ एन असर्टिव चाइना इन दिस रीजन इंक्लूडिंग अलॉन्ग स्ट्रेटेजिक सी लेन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस क्या क्या है हमारे, बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, 50 से अधिक हमारे बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इन एरियाज ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स, पावर एंड एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, रिवर्स, मैरिटाइम एक्सेट्रा। जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन जो मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा बिठाया गया है, इट कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स व्हिच वाज टेकन बिटवीन द टू कंट्रीज, और एक्सप्लोर करता है न्यू एडवांसेस फॉर कोऑपरेशन। सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंडिया बांग्लादेश जो है इनका 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर है, विच इज द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री जो इंडिया शेयर करता है किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है इसको साइन किया गया था 2015 में जून में, July 31, 2015 को इनक्लेव्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश इन ईच अदर्स कंट्रीज वर एक्सचेंज एंड स्ट्रिप मैप्स वर साइंड। इनक्लेव्स क्या होता है, इनक्लेव मतलब देश के अंदर दूसरा किसी और का हिस्सा, जैसे इंडिया का अगर ये पोर्शन है तो इसमें ये जो पोर्शन है इसमें बांग्लादेश का है, ये मतलब बांग्लादेश के रूल्स जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, समझ में। ऐसी बांग्लादेश में कुछ जगह है, ठीक है, जो इंडिया के इंडिया में आते हैं बेसिकली, तो ये चीज़ एक्सचेंज कर ली गई कि इसको जो है बांग्लादेश के हाथ में दे दिया गया, जो इंडिया में आपका बांग्लादेश के इनक्लेव से उनको इंडिया में ही रिटेन कर दिया गया, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो ये एक बार जाके आप पढ़िएगा, इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दो राजा थे जिन्होंने चेस में इन सारे इनको वो रखा था, क्या बोलते हैं आपको, लैटरल टाइप मान लीजिए, तो जैसे कोई राजा अगर एक चाल से हारा तो उसने ये वाला इनक्लेव उसको दे दिया अपनी ज़मीन, इतना ज़मीन वहाँ से यहाँ आ गया, समझ में आ रहा है, ये चेस का एक गेम था, उसके वजह से ऐसा ये इशू हुआ है। एक बार जाके इसका हिस्ट्री पढ़िएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो रेसिडेंट्स ऑफ दीज अर्सफायर एनक्लेव्स हु ऑप्टेड टू रिटेन देयर इंडियन सिटीजनशिप मेड अ फाइनल मूवमेंट टू इंडिया बाय November 30, 2015। रिवर वाटर्स का भी इशू है, जो तीसरा वाटर इशू था आपका, तो इंडिया बांग्लादेश इसमें 54, ठीक है, 54 कॉमन रिवर्स हैं। बायलैटरल जॉइंट रिवर कमीशन है, इट इज वर्किंग सिंस June 1972 ताकि लिएजॉन हो सके बिटवीन द टू कंट्रीज, ताकि टू मैक्सिमाइज बेनिफिट फ्रॉम द कॉमन रिवर सिस्टम्स। तो बिसाइड्स मीटिंग जो है, टेक्निकल लेवल मीटिंग्स भी रेगुलरली होती रहती हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट देखा जाए तो फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया बांग्लादेश के बीच में 1972 में साइन किया गया था, ठीक है, यानी कि इंडो पाक वॉर आपका 1971 में हुआ था, राइट, उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उसके पहले क्या था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो 1971 का भी आप एक बार स्टोरी पढ़िए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अदर ट्रेड रिलेटेड अग्रीमेंट्स हैं दैट हैव बीन साइन बिटवीन द कंट्रीज। बायलैटरल ट्रेड इंडिया बांग्लादेश के बीच में स्टेडली ग्रो कर रहा है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया है, यू कैन गो थ्रू इट वंस, ठीक है। अब इंडिया का इकोनॉमिक असिस्टेंस देखते हैं बांग्लादेश के लिए, तो इंडिया हैज एक्सटेंडेड 3 लाइंस ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश पिछले 7 सालों में, जिसका टोटल अमाउंट कितना है, $8 बिलियन। इसके वजह से बांग्लादेश जो है इट इज द लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ LOC लाइन ऑफ क्रेडिट फंड्स फ्रॉम इंडिया टिल डेट, ठीक है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ बांग्लादेश PM इंडिया में जब आई थी 2010 में, तो इंडिया ने अनाउंस किया था $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर बांग्लादेश कवरिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेलवे, ब्रिजेस, इनलैंड वाटरवेज एक्सेट्रा थे। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऑफ कंसर्न क्या क्या है, NRC इशू जो आसाम में चल रहा है, NRC में क्या है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में काफ़ी हैं, आप बॉम्बे वगैरह में भी देखिए तो वहाँ पे भी आपके बांग्लादेशी इमिग्रेंट काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, इवन इंक्लूडिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके, ठीक है ना। तो NRC का इशू ये क्या है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। तो 1971 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, जिसके वजह से बांग्लादेश क्रिएट हुआ है, मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम इलीगल, ये इंडिया में आके बस गए हैं। इसके वजह से क्या है, डेमोग्राफी जो है नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि जो मुस्लिम वर्सेज जो हिंदू रेशियो है वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है,
ठीक है, मतलब मुस्लिम्स जो हैं ऑलमोस्ट हिंदूज के बराबर पे आ गए हैं, तो लोकल डेमोग्राफी जो है वहाँ की चेंज हो गई है, तो विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। रोहिंग्या क्राइसिस, 11 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजी हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ सप्लाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू बांग्लादेश ऑपरेशन इंसानियत के तहत फॉर रोहिंग्या क्राइसिस, बट बांग्लादेश एक्सपेक्ट करता है इंडिया से कि इंडिया प्रेशर डाले म्यांमार के ऊपर कि रिपैट्रिएशन फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ ओवर अ मिलियन रोहिंग्या। रोहिंग्या क्राइसिस आप जानते होंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, म्यांमार जो है, यहाँ बांग्लादेश है आपका, म्यांमार में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रैखाइन, यहाँ पे रोहिंग्याज रहते हैं हु आर एथनिक बंगालीज। तो यहाँ पे जो म्यांमार स्टेट है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा राइटिंग वाइटिंग किया था, जिसकी वजह से म्यांमार की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड पर्सिक्यूशन हुआ इन लोगों का, ठीक है। तो मतलब ठीक है, तो दोनों की गलती थी, ठीक है, इसमें हम लोग इसमें नहीं जाएंगे किसने स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे ये रोहिंग्याज रहते हैं हु आर एथनिक बांग्लादेशी मुस्लिम्स। तो म्यांमार स्टेट करेंटली बोलता है कि दीज आर नॉट ओरिजिनल सिटीजन्स ऑफ अपने म्यांमार, ये हमारे म्यांमार के लोग नहीं है, तो इन लोगों को वापस अपने देश में भेज रहा है, विच इज़ बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश के लिए क्राइसिस वाला सिचुएशन है, बिकॉज बांग्लादेश में ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और रोहिंग्यास को अपने वहाँ बसाना है, दैट हैज़ बिकम अ डिफिकल्टी। तो इंडिया ने इनको असिस्टेंस दिया है बांग्लादेश को अंडर ऑपरेशन इंसानियत, लेकिन बांग्लादेश उम्मीद करता है कि इंडिया जो है म्यांमार पे प्रेशर डाले कि ये जो एक्सपैट्रिएशन कर रहे हो इसको स्लो डाउन करो या फिर कम करो, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है पोरस नेचर का, पोरस मतलब लोग आ जा सकते हैं वहाँ से, विच प्रोवाइड्स पाथवे फॉर स्मगलिंग ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इवन जो आपकी सेक्स ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री है, बांग्लादेशी जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। चाइनाज रोल, एवर इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना, चाइना का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस जो है इंडिया के नेबरहुड में बढ़ता जा रहा है, जो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है, खासकर जो छोटे कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, ये नेपाल भी इवन, ये का बार बार जो है चाइना का कार्ड इस्तेमाल करते हैं इंडिया के साथ बार्गेन करने के लिए, यानी कि अगर इंडिया इनकी कोई बात नहीं मानता तो ये चाइना कार्ड इस्तेमाल करने लगते हैं कि हम चाइना के फेवर में जा रहे हैं। रिवर डिस्प्यूट, इंडिया 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, दोनों छोटे और बड़े। अब गंगा रिवर डिस्प्यूट है जिसमें फराक्का बराज का इशू है, तीसरा रिवर डिस्प्यूट भी है, बराक रिवर भी है, इन सब का एक बार आप मैप में जाके देख लीजिए ये रिवर कैसे फ्लो करती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं रिवर्स में, खासकर यूपीएससी में, ठीक है, यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है। तिपाई मुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्प्यूट है, ये किस पे है, बराक रिवर पे। रेडिकल ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है खासकर बांग्लादेश में, जैसे हरकत अल जिहाद अल इस्लामी, जमात इस्लामी और हुजी बी, ठीक है, ये फ्यूल करते हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये प्रोपोगंडा जो है ये इंडिया में भी फैल के आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न है दोनों कंट्रीज के बीच। इंडिया बांग्लादेश जो है इनकी सिविलाइजेशन टाइज है, बिकॉज बांग्लादेश एक समय हमारा हिस्सा था। तो देर आर मेनी पॉजिटिव डेवलपमेंट रिसेंट ईयर्स में, जैसे हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिलैटरल सपोर्ट टू स्मॉलर नेबर्स, ताकि उनका कॉन्फिडेंस गेन किया जा सके, खासकर क्योंकि चाइना हमारे कॉम्पिटिशन में है। इंडिया को प्रोएक्टिवली रिजॉल्व करना चाहिए आउटस्टैंडिंग इश्यूज, जैसे तीस्ता वॉर्डर ट्रीटी है, ठीक है। इंडिया को हेल्प करना चाहिए इन रिजॉल्विंग रोहिंग्या क्राइसिस ऑल्सो, विच इन्वॉल्व्स म्यांमार एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है इट डज कैरी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ओवरटोन्स, बट बोथ साइड ऑल्सो रियलाइज द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ढाका का कुछ हमारे साथ कड़वाहट है, लेकिन इट हैज़ नॉट डिफाइंड इट्स नेशनल आइडेंटिटी मियरली इन टर्म्स ऑफ बीइंग एंटी इंडिया, नॉर हैज इट निगलेक्टेड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉमनैलिटीज, जैसे कि पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान क्या है, बेसिकली इट इज़ एन एंटी इंडिया स्टेट, उनका मेन जो बेसिस ही है वो क्या है, इंडिया का विरोध करना, ठीक है, या फिर ठीक है इंडिया का विरोध करना। ऑफ लेट हावर इट हैज़ बीन सीन कि बांग्लादेश धीरे धीरे जो है चाइनीज के खेमे, चाइना के खेमे में जा रहा है। ओवर पास्ट डिकेड कंट्री का एक स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है एट एन एवरेज एनुअल क्लिप ऑफ अराउंड 6%। अदर पॉइंट जो स्ट्रेंथन करेगा दोनों के रिलेशन है, दिस इज टू एनहांस कनेक्टिविटी नॉट जस्ट बिटवीन देम बट ऑल्सो विद अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया, जैसे कि BBIN कॉरिडोर हो गया, ठीक है। ये क्या है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर हो गया। प्रपोजल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्राइलैटरल ट्रेड, ये क्या है, IBM, ठीक है ना, इंडिया बांग्लादेश म्यांमार के बीच में ऐसा गैस पाइपलाइन वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लीज़ रिवाइज ऑल द क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। दिस इज़ योर GS2 का तीसरा सेट, ठीक है। अगले लेक्चर में वील कंटिन्यू विद द फर्दर क्वेश्चन। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।